इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को है। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक यह व्रत रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। हालांकि करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत असफल ना हो। तो कुछ गलतियां जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाती है। सबसे पहली गलती है, अन्न और जल ग्रहण को कर लेते हैं आप, तो आपको अन्न और जल को ग्रहण नहीं करना। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखा जाता है और पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करते हैं। इसमें यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत टूट जाता है और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी गलती जो आप करते हैं वो है सुहागन सामग्री का दान कर देना। इसलिए आपको भूल कर भी सुहागन सामग्री का दान नहीं करना, चाहे कोई कितना ही मांग ले आपसे, कितना ही खास हो। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गया, महावर हो गया, मेहंदी आदि, इन सब का दान नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती जो आप करते हैं वह है चंद्र अर्घ को बिना दिए पारण कर लेना। इसलिए आपको भूल कर भी चंद्र को अर्घ दिए बिना पारण नहीं करना। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए पारण नहीं कर सकते। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ दें और उसके बाद ही पारण करें। चौथी गलती जो आप करते हैं वो होता है कि आप दिन में सो जाते हैं व्रत रख के कि टाइम पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है उल्टा। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनका स्वास्थ्य थोड़ा प्रॉब्लम में है, जिनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो थोड़ा छूट ले सकती हैं, बाकियों को तो नहीं करना चाहिए। पांचवी गलती जो आप करते हैं वो होता है काले कपड़े पहनना, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो एलिगेंट होता है, लेकिन उससे आपको थोड़ा बचना है। बाकी दिन पहन लीजिए, इस दिन ना पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दंपत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग को नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। लाल और गुलाबी को थोड़ा ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। छठी गलती आप करते हैं, करवा चौथ व्रत की कथा ना करना, भूल जाना। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करते हैं तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल मत भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। और साथी और आखिरी गलती जो कि आप कर सकते हैं वह है सास को पूजा और सुहाग की सामग्री दे देना, जो आप भूल जाते हैं, तो इस गलती से आपको बचना चाहिए। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल मत भूलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं, जिससे आपके पति की आयु बढ़ती है, और यही तो हम चाहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपनी दोस्तों में, सहेलियों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ पता लगे और वो कुछ गलतियां करने से बचा लें अपने आप को। तो जब आप किसी और की मदद करते हैं तो भगवान आपकी भी मदद करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।